इंदौर की तेजाजी नगर थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी धार से गांजा लाकर इंदौर में सप्लाई कर अवैध तरीके से मादक पदार्थों की तस्करी करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1,00,000 रुपए कीमत का गांजा जब्त किया है। पकड़े गए बदमाशों द्वारा शहर भर में अवैध मादक पदार्थों को बेचा जाता था। फिलहाल पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में कई अन्य खुलासे होने की संभावना है। जैसे हमारे सुपीरियर ऑफिसर्स के हमेशा से निर्देश रहे हैं कि इलाके में किसी भी तरह का अवैध मादक पदार्थ ना बेचे, तो उसी के तहत तेजाजी नगर पुलिस ने जो कुछ लोग जो धार से आके इंदौर में गांजा बेचने की कोशिश कर रहे थे उन्हें गिरफ्तार किया है। ये जो है इनका एक नारकोटिक रिंग कह सकते हैं इनका जो है, तो इनका सप्लाई धार से होता था और ये जो है फिर उसके बाद ये इधर मूसा खेड़ी में और अलग जगह पे जाके ये बेचा करते थे। इनके पास से 3 किलो 100 ग्राम गांजा मिला है और इसकी कीमत जो है लगभग 1,00,000 रुपये। इसमें 3 आरोपी है और इन आरोपी जो है सुखलाल जो है वो धार का है, वासु जो है वो मूसा खेड़ी का है और इसके पहले इस पर और भी अपराध दर्ज हैं और संजीव जो है वो अरसदा खुद का रहने वाला इंदौर का। ये NDPS के धाराओं में इन पे प्रकरण दर्ज हुआ है और इनसे जो जब्ती की है वो भी हम पूरी विधिवत कार्रवाई से करके और इन्हें कोर्ट लोग जो हैं असंतुष्ट भी बहुत सारे लोग रहते हैं और ये जो है नशा करने का आजकल सोसाइटी में प्रॉब्लम भी हो चुका है, जिसकी वजह से हमें डिमांड साइड पे और सप्लाई साइड पे दोनों पे काम करना पड़ेगा कि जो लोग नशा कर रहे हैं उन्हें प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ सोसाइटी बनाना पड़ेगा और जो लोग सप्लाई कर रहे हैं उसे हमें रोकना पड़ेगा। तो दोनों साइड से हमें काम करके इसको पूरी तरह से जड़ से ख़त्म करना है कि सोसाइटी में हमारे शांति और उन्नति का ग्रोथ। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।